मुजफ्फरपुर सदर थाने के शेरपुर गांव में रात के करीब 8 बजे अगवा हुई ठेकेदार की बेटी अगले दिन सुबह रहस्यमय तरीके से दरवाजे पर मिली। सुबह करीब 10 बजे वो अपने घर के सामने लगे ट्रैक्टर के डाले में बेहोशी की हालत में मिली। उसे देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। उसे उठाकर परिजन घर में ले गए, पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाया गया। उसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई पर वो बोलने की हालत में नहीं थी, बार बार अपनी आँखें बंद कर रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घर पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज होगा। उसने अभी कोई बयान नहीं दिया है कि उसे कौन अगवा कर ले गया था और फिर वो ट्रैक्टर में कैसे पहुंची। थानेदार ने कहा कि डॉक्टर उसका इलाज कर उसे पूरी तरह होश में लाने में जुटे हैं, बयान देने के बाद ही घटना की गुत्थी सुलझेगी। पुलिस ने जब ट्रैक्टर के डाले पर जाकर जाँच की तो वहाँ से हेडफोन, बिस्तर और तकिया बरामद हुआ। घर वालों से पूछा गया कि किसका है तो उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई। थानेदार ने इसे साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपहरणकर्ता अगर उसे छोड़कर गए होंगे तो तकिया बिस्तर क्यों दिया, अगर हेडफोन दिया तो मोबाइल कहाँ है। इस बिंदु पर जांच के लिए सर्विलांस की टीम से संपर्क किया गया है। उधर अगवा पल्लवी की माँ संगीता ने बताया कि बेटी के अगवा होने के बाद पूरी रात वो सो नहीं पाए। रात भर दरवाजे पर बैठे हुए थे लेकिन किसी को उनकी बेटी को वहाँ रखते हुए नहीं देखा। अचानक से सुबह में लोगों की नज़र उस पर पड़ी, वो भी तब जब उसे हल्का होश आया और उसे अपनी माँ को पुकारा था। उसके बाद वो अचेत हो गई, तब वे लोग उसे ट्रैक्टर पर से उठाकर घर ले गए। बता दें कि बुधवार रात पल्लवी दरवाजे पर खेल रही थी, तभी बाइक से 3 अपराधी आए और उसे उठाकर बाइक पर बैठाकर लेकर चले गए। उसकी चचेरी बहन को अंग्रेजी में लिखा एक लेटर दिया और दरवाजे पर बैठे पल्लवी के दादा प्रमोद तिवारी को देने को कहा। उसके बाद पल्लवी को लेकर भाग निकले। लेटर में 5 लाख फिरौती मांगी गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस छान में जुटी थी। इसी बीच उसके मिलने की सूचना मिली। कल 6 से 6:15 के बीच में दोनों बहन दरवाजे पर खेल रही थी, एक को लेके घर आए बाथरूम कराने के लिए, तब तक एक गायब हो गई। उसके बाद मतलब एक लड़का आया बाइक से और आके एक तो गंदा राइटिंग में एक पत्र लिख के दे गया। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें 5 लाख का डिमांड है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने के लिए भी उसमें लिखा हुआ था, और ये भी उसमें लिखा हुआ था कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो बड़े लड़का का भी खतरा है। हाँ, तो हम उसी समय फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए कि ये सब बात छिपाने वाली बात नहीं है, पुलिस को अगर हम नहीं कहते हैं उस पर क्या भरोसा है, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस लोग आए, अपना जो काम था अपना किए और सारे समाज हमारे साथ है। कैसे पता चला लड़की का, कैसे मिली लड़की? सारी रात तो सभी आदमी खोज ही रहे हैं लेकिन नहीं मिला। सुबह में 5 बजे पता नहीं कब कैसे रख गया, इसे तो पता नहीं है। 5 जब बजा है तब हम लोग घरे आ गए हैं, अपना घर पे आके बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी जब इसको धूप लगा है तब ये उसमें से मम्मी मम्मी आवाज दे रही है। क्या चीज में थी? ट्रैक्टर के ढाला में, बैक में है उधर ढाला। कहाँ ट्रैक्टर, कहाँ लगा हुआ है? जंगल के पास है उधर रोड के ऊपर साइड। क्या नाम हुआ बच्ची का? पल्लवी कुमारी।